और बिहार चुनाव का शोर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सात समंदर पार भी सुनाई दे रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने बिहार की राजनीति को लेकर खासी रुचि दिखाई। वॉशिंगटन में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने। अब जरा अमेरिका से देखिए बिहार में काबा। चुनावी घमासान के बीच में हम मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी, एक ऐसा परिवार जिसका ताल्लुक काऊ बेल्ट भारत से है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मौसम में वाशिंगटन से लेके पटना तक किस तरह की बातें हो रही हैं, वाशिंगटन से पटना की राजनीति कैसी दिख रही है। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश मिश्रा जी हैं जो ट्रक के प्रोफेसर हैं, और नरेश यादव जी हैं जो यहाँ से अपनी बात बताएंगे किस तरीके से बिहार की राजनीति को ये महानुभाव यहाँ से देखते हैं। नरेश यादव जी, ये बताएं, बिहार में कल ही चुनाव प्रथम चरण का हुआ है, दो चरण में चुनाव और भी हैं। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पानी पिला पिला के छोड़ेगा। ये आपके विचार हो सकते हैं। आजकल की जनता जो वोटर से बहुत ही स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और वो सब समझते हैं। मैं तो ये जरूर कहूँगा कि एक नया कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के लिए और एक 15 साल का कैंडिडेट है, उसके राज में ज़्यादा अच्छा हुआ है। कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोई भी आदमी एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा करेगा। बिहार में अगर नई परिवर्तन होती है तो जनता का कल्याण होगा, जरूर होगा। अगर उनको सत्ता में रहना है तो कल्याण करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा मगर करना पड़ेगा, नई सत्ता हो या पुरानी सत्ता हो। अगर इनको अगले 5 साल 10 साल तक रहना है, शासन करना है, अच्छे की बातें बतानी है, अच्छी अच्छी चीज़ें देनी है, अच्छा आचरण देना है, तो इनको भी उसी आचरण को फॉलो करना पड़ेगा, उसी सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। ये है वाशिंगटन से बिहार की राजनीति की समझ, और बिहार में होने वाले चुनाव के परिणाम का इंतजार हमें रहेगा। अनिल सिंह, न्यूज़ 24।